DBS Senior Secondary School, ABG, लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. 100% फर्स्ट डिविजन इन 10th बोर्ड, 50% डिस्काउंट फॉर गर्ल्स. DBS Senior Secondary School, नियर अबीजी फार्म रोड, अजमेर. बताइए किस तरह का एक तरफ तो कोरोना से पूरे संसार के अंदर हाय हाय मची हुई है, भारत भी उससे अछूता नहीं है. दूसरी तरफ जब पेट्रोल डीजल का दाम विश्व स्तर पर एक समय $2 प्रति बैरल से नीचे आ गया, उसके बाद भी भारत के अंदर पिछले 17 दिन से जब विश्व बाजार में मामूली पेट्रोल के दाम बढ़े, आज भी $20 प्रति बैरल है, उसके बाद भी 17 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए जा रहे हैं, उससे पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है. क्योंकि जो भी परिवहन होता है खाद्य सामग्रियों का, वो ट्रक के माध्यम से होता है और उसमें डीजल काम में आता है. तो अल्पसंख्यक विभाग अजमेर की ओर से आज श्री नरेंद्र मोदी जो बिल्कुल जनता की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, विरोध दर्ज कराते हुए उनका पुतला जलाया गया. हम केंद्र सरकार की निंदा करते हैं कि इस महामारी में जब जनता को राहत मिलनी चाहिए, वो ये चाहते हैं कि दो पहिया वाहन वाले जो भी वाहन हैं वो गरीब लोग बेच रहे हैं, क्योंकि गरीब लोग ही छोटे वाहन चलाते हैं और वो आज इस स्थिति में है कि अधिकांश ने अपने वाहन घर पर बंद करके रख दिए हैं. इससे आम जन परेशान है. हम मोदी सरकार की निंदा करते हैं और उनसे त्याग पत्र की मांग करते हैं. आज यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया, क्योंकि उनकी नीतियाँ जन विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं. हम उनकी निंदा करते हैं. आपका नाम बताइए. प्रताप सिंह यादव, उपाध्यक्ष अजमेर शहर जिला.